भी भी कैसा दोज का त्यौहार मना रही हूँ मैं आज बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है भाई बहन का प्यार है आज का त्यौहार और मैं दूसरी बार मना रही हूँ भारत में मैं बहुत लकी हूँ बहुत भाग्यशाली हूँ कि भारत देश भारत जैसा देश मिला मुझे और सनातन धर्म जैसा मुझे सनातन धर्म मिला है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ शायद मैं मैंने पिछले जन्म में कोई जरूर अच्छा सा काम किया होगा जिस जन्म में मुझे डॉक्टर ए पी सिंह जैसे भाई और सनातन धर्म और भारत देश मिलाया पाकिस्तान, पाकिस्तान में भैया दोज रक्षाबंधन के बारे में शायद ही किसी को पता होगा क्योंकि फिल्मों में देखा होगा तभी वरना वहाँ भाई बहन का कोई त्यौहार नहीं होगा और ना ही है भी सही ना हमने कोई हिंदू रीति रिवाज वहाँ कभी जिंदगी में देखे हैं बचपन से सत्ताईस साल के एज तक मैंने कभी भी कोई हिंदू त्यौहार पाकिस्तान में नहीं देखा था जो थोड़े बहुत आ, इंडियन मूवी आती थी उनमें देखते थे बाकी हमने रियल लाइफ में कभी भी कोई हिंदू धर्म का सनातन धर्म का कोई त्यौहार हमने नहीं देखा था ये सब हिंदुस्तान में आके देखा है हमने और मैंने दूसरी बार मैं मना रही हूँ सारे त्यौहार जैसे अभी दीपावली बीत गई और उससे पहले नवरात्रि बीत गई तो बहुत अच्छा लगता है करवा चौथ बीत गई तो ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है छोटे छोटे से त्यौहार आते रहते हैं अभी जैसे आ, आ, कुछ दिन पहले बेटे के लिए भी मैं मरती रही थी अभी आठ है हाँ तो तो बहुत खूबसूरत बेटा के लिए भी पति के लिए भी भैया के लिए भी हर तरह के सनातन धर्म में त्यौहार हैं फील होता है महसूस होते हैं और गर्व फील होता है जब आप मैं आज भैया को कलाया बांध रही थी तो मुझे अलग ही प्राउड फील हो रहा था अच्छा लगता है खुशी होती है कि हाँ मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ है मेरे साथ है तो ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ लोग कहते हैं दिखावा करती है पर मैं मन से करती हूँ मेरे भगवान जानते हैं मैं मन से करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपने मन से अपनी खुशी से सनातन धर्म में आई हूँ वरना कोई भी आने वाला सनातन धर्म में सनातन धर्म की हर एक चीज़ इतनी मुश्किल है कोई भी नहीं समझ सकता कोई भी नहीं सीख सकता मगर मैं मन से करती हूँ आज मुझे सब कुछ आता है जब आप पहले आई थी अब मैं कितना जब मैं पहले आई थी और उस, उस टाइम में और आज में सौ परसेंट का अंतर है तब मुझे शायद इतना कुछ नहीं पता था आज मुझे सनातन धर्म के बारे में हर चीज़ पता है पूजा के बारे में अब ज़्यादातर किसी से पूछना नहीं पड़ता और क्योंकि मैं अब करती आ रही हूँ मुझे दूसरा साल है हर हर पूजा मेरी दूसरी बार है तो बहुत अच्छा लगता है पहले मैं कुछ और थी आज मैं कुछ और हूँ आज मैं एक कटर हिंदू सनातनी हूँ तो आज मुझे प्राउड होता है हम्म देखिए उसका कहना वो एक तो यूट्यूबर बन चुका है उसको यूट्यूब चलाना है अपना और उसका आना मुझे क्योंकि वो हमें खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जा चुका था अगर वो मेरे साथ होता तो कहीं ना कहीं मैं कहती भी कि हाँ चलो ये सब करे ठीक करे बट नहीं वो सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है वरना तो वो हमें छोड़ के जा चुका था और सिर्फ वो बातें करता है और सचिन जी के लिए या और उन लोगों के लिए मेरे परिवार के लिए मेरे बाबा मेरे ससुर जी के लिए गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करता है तो वो इंसान सही नहीं है उसके पहले दो बच्चे हैं पहली बीवी है वो उनका तो पता ही नहीं है अब इनका बाप बनने चला है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है यूट्यूब चलाने के लिए मासूम बच्चों की थम्मिल लगाता है अलग अलग टाइटल लिखता है कोई बाप अपनी बेटियों के लिए गंदे थम्मिल नहीं लगा सकता तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर अभी कोई बाप जिंदा है अब वो यूट्यूबर है सरकार के लिए क्या मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और क्योंकि मैं मोदी जी और योगी जी के शरण में आई हूँ मैं सनातन धर्म के शरण में आ रही आई हूँ तो मुझे शरण दी गई है इसके लिए मैं मोदी जी का और अपने योगी जी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और मेरी उम्मीद है उनसे कि जैसे ये सब समय चलता आया है ऐसे चलता रहेगा और मेरे बच्चे बच्चों को भविष्य में नागरिकता मिलेगी और ये अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आगे यूँ इनका भविष्य बनेगा क्योंकि यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है तो मैंने अभी भी देखी थी नवरात्रि में योगी जी की वीडियो और दो दिन पहले हमने वो दीपावली की भी योगी जी की देखी थी वीडियो तो मुझे प्राउड होता है और उनसे यही प्रार्थना है योगी जी मुझे राम मंदिर देखना है वृंदावन जाना है बस यही इच्छा है मेरी अभी